मुझे तो उन 5 दिन में ऐसा लगा था कि मे बी शायद मैं वापस आप सबसे बात ना कर पाऊँ। मेरा अकाउंट हैक होने के बाद मैं पहली बार लाइव आ रही हूँ और अब तो मैं आगे क्या ही बोलूँ यार आप लोगों को। जब मेरा अकाउंट हैक हुआ था ना तो आप बिलीव नहीं करोगे उस दिन और उसके अगले दिन, मतलब आई गेस 12th मई को मेरा अकाउंट हैक हुआ था और 12th मई और 13th मई दोनों दिन ना गूगल का सेकंड ट्रेंडिंग टॉपिक मेरा नाम था। इतना हाइप हो गया था वो, ये चीज़ इतनी हाइप हो गई थी कि सेकंड ट्रेंडिंग टॉपिक गूगल पे चल रहा था और उस वक्त मुझे अजीब सा बट ऑब्वियसली बहुत बुरा लग रहा था, बट ये भी अजीब सा लग रहा था कि यार इट्स लाइक कि अभी मैं क्या करूं और क्या आंसर दूं किसी को, बिकॉज उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऑल ऑफ सडन मेरा अकाउंट हैक हुआ, मेरा नंबर और मेरा ईमेल जो अंदर इन्फॉर्मेशन में था अकाउंट में वो सब चेंज हो गया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ। फिर मैंने ये चीज़ इन्फॉर्म किया, इंस्टाग्राम को मैंने मेल किया और मेरी टीम ने उसको ये सब कॉपरेट किया और फिर इंस्टाग्राम ने उस अकाउंट को जो मेरा अकाउंट है उसे डिसेबल कर दिया जस्ट बिकॉज कोई उसको मिसयूज़ ना कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ चेंज हो गया था मेरे अकाउंट में। और फिर इंस्टाग्राम को मैक्सिमम 5 दिन लगे उसको रीस्टोर करने में। अगर मेरा अकाउंट वेरीफाइड होता गाइस तो मुझे इतने दिन नहीं लगते, ट्रस्ट मी। अगर मेरा अकाउंट अभी ब्लू पैच होता और मेरा अकाउंट हैक हो गया होता या फिर डिसेबल्ड हो गया होता तो मुझे इतना दिन नहीं लगता वापस आने में, 5 दिन भी नहीं लगता। लेकिन वही एक चीज़ है यार, इट्स जस्ट ऑल ऑफ सडन हैपन एंड उसके बाद मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था और मुझे वेट करने के अलावा और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि मेरा अकाउंट वेरीफाइड नहीं था। इसलिए अभी मुझे अपना अकाउंट वेरीफाइड करवाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे एंड वगैरह वगैरह, बट वो सब बात की बात है। बट मुझे बहुत खुशी है कि मैं वापस से आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। मुझे तो उन 5 दिन में ऐसा लगा था कि मे बी शायद मैं वापस आप सबसे बात ना कर पाऊँ और मैं शायद वापस आऊँगी नहीं इंस्टाग्राम पे। मैं नया अकाउंट नहीं बनाने वाली थी क्योंकि अगर मेरा ऐसा था कि अगर मेरा अकाउंट हैक होके वापस नहीं आया तो नया अकाउंट बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। पता नहीं आप लोग की मेहरबानी है या मेरी किस्मत ऐसी है, आई डोंट नो। मैं यहाँ पर हूँ तो वो 5 दिन में मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था फील्ड कि मैं यहाँ पर रहूँगी, ये यहाँ पे आने वाली हूँ या ऐसा कुछ होने वाला है मेरे साथ, तो मैं ये भी एक्सपेक्ट क्यों करूँ कि कोई चीज़ मेरे साथ हमेशा रहने वाली है। अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो मेरे लिए अच्छा हो रहा है और अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो चीज़ मुझे कुछ सिखा रही है, ठीक है, वो चीज़ मुझे कुछ बता रही है लाइफ के बारे में, एंड दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी ऑल्सो इन योर लाइफ।